ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है दोस्तों। बात करेंगे टाइपिंग स्पीड के बारे में, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि उन कैंडिडेट को आखिर उनकी प्रॉब्लम दूर कैसे होगी। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम जानते हैं कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है। तो सबसे एक मेन प्रॉब्लम कि टाइपिंग स्पीड 20 से 25 पे रुक गई, 20 या 25 की स्पीड आती है उससे नहीं आगे बढ़ पा रही है, मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। टाइपिंग स्पीड आप बढ़ा देते हो 35-40 तक, बट जो स्पीड हो जाती है मतलब मिस्टेक हो जाती है, लाइन छूट जाती है दोस्तों, जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, लाइन छूट जाती है, हड़बड़ाहट हो जाती है, बस जल्दी से ख़त्म कर दें, ठीक है। और कीबोर्ड सेट नहीं बैठता, किसी का हल्का, किसी का टाइट बटन, किसी का कैसे, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इसलिए टाइपिंग स्पीड यानी कि टाइपिंग क्या होता है, अपना लास्ट स्टेज होता है। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी कि SSC CHSL के अंदर सब कुछ आप क्लियर कर देते हो लेकिन टाइपिंग स्पीड आपकी रह जाती है, तो दोस्तों इसके अंदर 35 की स्पीड मांगते हैं, ठीक है। रेलवे के अंदर जैसे आपका NTPC का पेपर हब, तो 30 की स्पीड है उसके अंदर, और SSC CGL के अंदर 27 की स्पीड है, ठीक है। तो हमें कैसे जो है इसके ऊपर ओवरकम करना है, इसके ऊपर कैसे पार पाना है। जैसे ये 35 की दोस्तों, ये 40 की होनी चाहिए अपनी, ये 30 की है तो ये 35 की, और ये 27 की है तो 32 की, यानी कि जो स्पीड है वो हमें किस हिसाब से करनी है कि 5 की स्पीड उससे ज़्यादा हो, ऑलरेडी जब हम रियल एग्जाम में बैठे उससे 5 की स्पीड ज़्यादा हो, ठीक है। 35 की अगर यहाँ पर करनी है तो घर पर आपको 40 की ही निकालनी पड़ेगी, तभी आप 35 की स्पीड कर पाओगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये दोस्तों, 20 से 25 पर आके रुक गई। हम क्या करते हैं कि हम प्रैक्टिस तो करते नहीं हैं, हम क्या करते हैं डायरेक्ट पैराग्राफ लिखते हैं, जो कि हमें डायरेक्ट पैराग्राफ नहीं लिखना चाहिए, यानी कि या हम शुरू कर देते हैं 3-4 दिन के बाद पैराग्राफ लिखना, वो एक सबसे गलत तरीका है। सबसे पहले आपने अपनी जो है उंगलियों को, आपने अपनी उंगलियों को इस पर सेट करना है, ठीक है, इस पर सेट करना है कि भाई जैसे हमने ये ASDF है, ठीक है, और ये JKL, ये इन पे, यानी कि ये दो चीज़ें जो है बीच में आपने छोड़नी, दो ये यानी कीबोर्ड हैं, सॉरी की है, जी और एच को छोड़कर ये इस तरह से आपने सेट करना है। तो जब आप लिखो, जैसे मान लिया आपने ए लिखा, तो यहाँ पर आपका ध्यान इतना केंद्रित होना चाहिए कि आपके माइंड में ये हो कि मैं ए लिख रहा हूँ और इस उंगली से लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने एस लिखना है, फिर एस लिखना है, फिर डी, फिर एफ, यानी कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्लो चलना है, स्लो चलना है, बिल्कुल ही स्लो चलना है, ठीक है, ताकि आपके माइंड में छप जाए, ठीक है, ASDF, JKL, ठीक है, फिर ऊपर वाली लाइन कैसे ही, फिर नीचे वाली लाइन की, इस तरह से आपने जो है एक वीक आपने इसी के ऊपर लगा देना है, अगर आपने अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करना है और एक्यूरेसी को बढ़ाना है। तो सबसे मेन जो चीज़ है, हमने स्टार्टिंग में पैराग्राफ को यूज नहीं करना है, ठीक है, हमने सिर्फ इनको, इन कीवर्ड को यूज करना है। फिर उसके बाद जब हम इनको कीवर्ड को यूज कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्टिंग से ABCDEFGH तक अपने माइंड में कि ABCDEFGH ऐसे आपने जो हम माइंड में बिल्कुल आराम से करना है, आपने स्पीड की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। इस टाइम फर्स्ट वीक में आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचना कि मेरी स्पीड कितनी ही, आपकी जो एक्यूरेसी है वो 100% होनी चाहिए दोस्तों, एक्यूरेसी होनी चाहिए 100%, ठीक है। जब मैंने 200 टाइपिंग दी थी तो मेरी एक्यूरेसी आई थी 99.80, ठीक है, मात्र एक दो कहीं कोमे की गलती हुई थी, बाकी सब जो है ठीक था। तो मुझे भी यही प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में कि मेरी भी स्पीड नहीं बढ़ रही थी, और दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही थी मेरे को कि मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही थी, वो उसका कारण ये था कि मैंने इसके ऊपर फोकस नहीं किया था, अच्छे से फोकस नहीं किया था, मैं डायरेक्ट पैराग्राफ पे चला गया था। तो इसलिए आपने क्या करना दोस्तों कि इसके ऊपर है ना अच्छे से फोकस करना है, इस कीबोर्ड को जो है एक हफ्ते में रगड़ देना है पहले, और 3-3, 4-4 घंटे करने, और ऐसा भी नहीं कि लगातार 4 घंटे किए जा रहे हैं, 1.5 घंटे से ज़्यादा मत प्रैक्टिस कीजिए, 45 या 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर के बाद आपको 20 मिनट का गैप लेना है, अपनी उंगलियों को भी रेस्ट देना है, ठीक है, अपने माइंड को फिर से जो है उसी चीज में लगा देना है, ठीक है। तो यानी कि पहले ASDF, फिर आपने क्या करना है टाइपिंग, उसके बाद एक और मैं बढ़िया टिप्स आपको बताऊंगा। फिर एक प्रॉब्लम क्या आती है, लाइन छूट जाती है दोस्तों। लाइन छूटने का मतलब है हमारी कंसंट्रेशन पावर, हमारी कंसंट्रेशन पावर हम कहीं और देख रहे हैं, कहीं और हमारा ध्यान है, इसी का सीधा सीधा मतलब यही है। तो जैसे जब भी दोस्तों ये 10 से 15 मिनट होते हैं आपके पास, ये लाइफ का अहम पार्ट है, ये लाइफ को चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए जब हम लिखते हैं, जब हम करते हैं, तो हमारा ध्यान वहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो हड़बड़ाहट हो जाती है। भाई हड़बड़ाहट कब होती है? जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो उसी कॉन्फिडेंस को लाने के लिए मैंने ये कहा है कि ये जो 5 की स्पीड है ना, ये आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका जो कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए 5 की स्पीड ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक आपको हड़बड़ाहट कभी नहीं होगी, आपको बिल्कुल आप आराम से कर जाएंगे। ठीक है, कीबोर्ड सेट नहीं होता। कीबोर्ड में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे आप यहाँ पर घर पे कर रहे हैं, तो घर पे कर रहे हैं तो क्या होता है, मान लिया वो टाइट है कीबोर्ड, तो वहाँ पे थोड़ा लूज आ गया तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी, तब भी आप हड़बड़ा जाओगे। यहाँ घर पे अगर थोड़ा सा लूज है और वहाँ पे टाइट आएगा तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए दोस्तों सभी को जो क्या करना चाहिए, सोफ के ऊपर जा करके टाइप, मतलब घर पे तो प्रैक्टिस करनी ही करनी चाहिए, बाहर जाकर भी जो है 2-3 घंटे, 1-2 घंटा प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए अलग अलग कीबोर्ड पर बैठकर। ठीक है, अलग हर, जैसे मान लिया दुकान में अगर 10 कीबोर्ड हैं तो भाई हर दिन क्या करो, अलग अलग कंप्यूटर पे बैठ के स्पीड को बढ़ाओ। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप अपनी स्पीड को जो है, मैं आपको बताऊं, 1 वीक के अंदर जो है आप महसूस करोगे। अगर आपने अभी भी ये चीज़ नहीं की है अच्छे से, तो दोस्तों करना शुरू कर दो, क्योंकि रेलवे NTPC में बहुत कम टाइम बचा है, 12 तारीख से है, और आपका ये CGL वाला तो है ही आपका 4-5 से। ठीक है, तो ये अच्छे से जो है इसके ऊपर कमांड आप कर लो, उसके बाद ही आपकी स्पीड बढ़ सकती है, अदरवाइज आपकी स्पीड नहीं बढ़ सकती है दोस्तों। ठीक है, और खासकर CGL की जो अगर मैं बात बताऊं, CGL की तो 27 ही है, तो ये आराम से हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, सफिशियंट वहाँ पर टाइम होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ बातें आपको इस वीडियो में बतानी थी। और ठीक है, तो आपने स्लोली स्लोली चलना है दोस्तों, स्लो चलना है और फिर एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, और सेकंड थिंग क्या है कि आपका जो बैकस्पेस का बटन होता है ना, उसको बहुत ही कम यूज़ करना है, बैकस्पेस के बटन को आपने बहुत कम यूज़ करना है। बस इन चीज़ों का आप ध्यान रख लीजिए, टाइपिंग में आपकी टाइपिंग 100% सही हो जाएगी। इससे बढ़िया जो चीज़ है मुझे नहीं लगती भाई, क्योंकि मेरी खुद की 42-43 की स्पीड जो है आ गई थी। ठीक है, 42-43 तक, और मतलब स्टार्टिंग के 1 मंथ मेरी स्पीड बिल्कुल भी नहीं आई थी। उसका कारण यह था कि कोई बताने वाला नहीं था, फिर मुझे गाइड किया गया और फिर मेरे को जो है सही चीज़ें फिर समझ में भी आ गई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।